जूट के ये बैग्स हैं। तो सरोजनी भी नहीं बोल सकते इसको, आप बोल सकते हो लाजपत। ब्रांडेड इन पे टैग तो ये लगे हुए, बट आई गेस मुझे कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा। मैं तब तक चैन में नहीं रहने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिसबा वर्ल्ड। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे, मजे में होंगे, और मैं तो बहुत ज्यादा मजे में हूँ। मतलब एक एक पल, एक एक दिन का लुत्फ मैं उठा रही हूँ। ऐसे कश्मीर में आकर ना सच में जिंदगी का मजे कुछ और होते हैं। तो गाइज, आज जो मैं आपको लेकर आने वाली हूँ ना, मैं जब कोई नई चीज एक्सप्लोर करती हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही फेमस श्रीनगर की ये मार्केट है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी एक्साइटेड हो जाइए। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, रैंडमली मेरे वीडियो को क्लिक करके आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। गाइस, आपकी एक लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है। और बिल्कुल भी देरी नहीं करते और सीधे चलते हैं गनी खान मार्केट। ओके गाइस, अब मैं गनी खान मार्केट, आई गेस मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ। ज्यादा नॉलेज मुझे यहाँ की नहीं है, लेकिन जितनी भी है थोड़ी बहुत, कि यहाँ पे मैटाडोर से उतरते ही आपको यहाँ एंट्री लेनी है। यहाँ पे आपको कुर्तीज जगह पे, यहाँ पे स्टॉल जैसे सरोजनी है ना, तो उस किस्म की ही सरोजनी जो दिल्ली वाला है, उसी किस्म का आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा सामान। अब इसको सरोजनी भी नहीं बोल सकते, इसको आप बोल सकते हो लाजपत, क्योंकि लाजपत में ना थोड़ी सी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है सरोजनी से। ब्यूटीफुल लॉन्ग शर्ट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी है। Beautiful. मार्केट ऐसे एक्सप्लोर करना ना, अगर आप बैग वगैरह भी खरीदना चाहते हैं ना, आप देख सकते हैं जूट के ये बैग्स हैं। जी, तो मार्केट के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ना मुझे जूट के बैग, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जो कि 500 रुपीस का बेच रहा था लड़का, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के बैग्स थे। मोबाइल कवर्स, मैं भी क्या बोल रही हूँ, मोबाइल वगैरह के लिए। एक्चुअली गर्मी है, मैं सुबह से ही शूट कर रही हूँ ना, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग चकरा गया। और क्राउड चेक करें गाइस, मॉर्निंग में भी इतना क्राउड, आई गेस मैं 12:30 के करीब आई थी, लेकिन इतना ज्यादा क्राउड था यहाँ पर। मतलब स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ज्यादा स्टॉल दिखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको लॉन्ग शर्ट्स, उसके अलावा दुपट्टे 100 रुपीज में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे दुपट्टे मिल रहे थे। और दुपट्टों के एक नहीं, बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, और अलग अलग हर स्टॉल में ना बिल्कुल डिफरेंट से दुपट्टे मिल रहे थे। और स्टार्टिंग के स्टॉल में मुझे एक जो है लेसिस वाली जो है वेंडर दिखा, जहाँ पर बहुत ही कमाल की, जो की ट्रेंड में आजकल लेसिस है ना, बहुत ही अच्छे दामों, मतलब मैं कह सकती हूँ सस्ते दामों में मिल रही थी। क्योंकि अगर हम यही जो चीजें बुटीक में किसी शॉप पे खरीदते हैं, तो आजकल तो आपको पता ही कितनी महंगाई हो गई है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे दामों में भैया जो है ये लेसिस जो है बेच रहे थे। अगर आप लोग गनी खान मार्केट यहाँ पर आ रहे हैं ना, आप लोगों को मस्ट ट्राई है। मैं आपको बोलती हूँ कि ये खासकर ये वेंडर्स जो लगे होते हैं ना, छोटे छोटे जगह पे स्टॉल लगे होते हैं, इनको जरूर चेक किया करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीजें आपको बहुत ही अच्छे दामों में मिल जाती है। आप क्राउड चेक करें, मतलब संडे को ना ज्यादा, बहुत ज्यादा मैंने कोशिश की कि मैं संडे का ही थोड़ा सब कैप्चर करूं। ओह माय गॉड, क्राउड चेक द क्राउड। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ, कि आप लोग खरीदारी करने में जल्दबाजी ना करें, पहले एक्सप्लोर करें। या तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद आ रहे हैं, तो मैंने आपको बेस्ट शॉप का एड्रेस भी प्रोवाइड किया है। यहाँ पे देख सकते हैं एमके, इतना प्यारा है। कितने का भैया? 300 है। इसमें साइज होगा 38-39 है। आप प्लीज थोड़ा चेक कराइए, एक सेकेंड, मतलब फिर से शॉपिंग ना करते करते हम देख सकते हैं। चेक, एम के है और क्वालिटी भी अच्छी है। अभी आपके पास अंदर कुछ मैं थोड़ा चेक कर लेती हूँ, कुछ अच्छी है। ये क्या शॉप का नाम है आपका? ड्रीमलैंड। ओके, ड्रीमलैंड। देखो यहाँ पे ना कुछ ब्रांडेड इन पे टैग्स तो ये लगे हुए, तो अच्छी लग रही है, अच्छी क्वालिटी है, तो चेक कर लेते हैं गाइस। खूबसूरत है। इनका क्या प्राइस है? 500 रुपीज में ये है। बहुत अच्छी अच्छी मेरे को दिख रही है यहाँ से। मैंने शॉप का नाम आपको मेंशन करा है एंट्री में। ये वाला थोड़ा निकाल देंगे भैया प्लीज। हाँ, चेक दिस वन, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। कितने हैं? मतलब ये 500 के सारे ऊपर जो लगी हुई हैं।
बहुत ही खूबसूरत है ये। ओके हिल्स वाली भी है, इनका क्या प्राइस है? मतलब 500 में आप ये भी लेके जा रहे हो गाइस, बहुत। आपका कोई इंस्टाग्राम का पेज वगैरह है? आपको आकर ही शॉपिंग करनी पड़ेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन इसमें कलर्स भी है, थोड़ी छोटी, इसमें कम हील वाला होगा, थोड़ी छोटी सैंडल, मतलब ये थोड़ा कम होना चाहिए, हील बहुत ज्यादा है। ओके इस तरफ भी है, यार ये तो बहुत जबरदस्त शॉप है। 500 की है जस्ट ये। ओके ये 600 की है गाइस, जो अभी तक हमने देखी ना वो थी 500, ये 600, लेकिन फिर भी वर्थ है, आप देख सकते हैं। तो सिल्वर कलर कितना अच्छा है, 600 में यहाँ से सारा है। ओके ब्यूटीफुल, और ऐसे जैसे का तो आज बहुत ज्यादा ट्रेंड है। मेरी शॉपिंग होने वाली है यहाँ से गाइस, बहुत अच्छा मेरे को कलेक्शन दिख रहा है, दिखाने वाली हूँ। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलेक्शन। अभी मैं स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि मेरा यहाँ आना थोड़ा वर्थ है नहीं है, लेकिन नहीं, अब देख सकते ब्लॉक हील में भी है और हल्की है, ऐसे हैवी सा मटेरियल नहीं है। आई गेस मुझे कुछ ना कुछ खरीदना पड़ेगा, मैं तब तक चैन में नहीं रहने वाली हूँ। फ्लैट्स में भी बहुत अच्छा कलेक्शन है, क्या लूँ क्या नहीं लूँ। गाइज मेरे साथ ना एक मसला बहुत ज्यादा है कि अगर मैं क्वांटिटी में कोई चीजें देखती हूँ ना तो मेरा दिमाग पगला जाता है, मैं जो है डिसीजन नहीं ले पाती अपनी लाइफ में कि मैं क्या लूँ, ये भी लूँ वो भी लूँ, और मेरा डिसीजन हमेशा ही गलत होता है। मतलब इतनी सारी सैंडल्स आप देख रहे हैं, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे जब मैं घर में आकर आपको जो हॉल वीडियो दिखाऊंगी ना आप देखेंगे तो मैं क्या लेकर आई हूँ, मतलब मुझे समझ ही नहीं आता, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है गाइज कि बहुत अच्छा सामान होकर आप लोग जो है कोई ऐसी चीज ले लेते हो, फिर घर आके पछताते हैं भाई हमने वो वाली चीज क्यों नहीं ली थी। और मेरे साथ तो भी बहुत ज्यादा मसला हो गया क्योंकि मैं एडिटिंग के टाइम पे देखती हूँ भाई इतनी कमाल की चप्पल थी तो मिसबा तुम क्या लेकर आई हो घर पे, मतलब मेरे साथ बहुत ज्यादा है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। मतलब इस मार्केट का पता भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने ही बताया था कि आप जाकर वहाँ पर वीडियो शूट करिए क्योंकि बहुत ही फेमस मार्केट और बहुत ही अच्छा सामान मिलता है। और जी ट्रस्ट मी अच्छा सामान था कि मतलब ना करते करते भी मैंने शॉपिंग जो है स्टार्ट कर ली है, बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग में ही मेरे को अच्छी दुकानें जो है दिख गई, जिसकी ड्रीम लैंडी शॉप का नाम है, जहाँ पर आपको 500-600 रुपीज में बहुत ही अच्छी जो सैंडल मिल जाएगी। मैं छोटी को साथ ही लेकर आई हूँ, बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, आ जाओ, मतलब अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एक्सप्लोर करना बच्चे के साथ, मतलब एक हाथ में बच्चा पकड़ा हुआ है गाइस सी, और एक हाथ से फोन बैग, मतलब शर्ट दिख रही है मुझे, एक सेकंड लाडो, शर्ट कुछ अच्छी लग रही है। कितने की है भैया शर्ट? 600। ओके ये बेटर कलर भी, ये वाला कलर भी देख सकते हैं, अच्छे कलर हैं, लिनन में रेनबो के भी। ओके अच्छे हैं शर्ट्स, अच्छी हैं, बहुत ही प्यारा है। 600 में आपको मिल रही हैं शर्ट्स, अच्छी है, लेकिन अब मैं खरीद नहीं पाऊंगी क्योंकि अब पॉलिथीन हाथ में रख नहीं पाऊंगी फिर से। प्रिंट नाउ तो ज्वेलरी मुझे दिख रही है, धूप से बचने के लिए छांव भी दिख रही है। ओके कुछ पेंडेंट सेट्स हैं जो ग्रीन में है, ब्रेसलेट कुछ अच्छे दिख रहे हैं। एक्सक्यूज मी भैया ये ब्रेसलेट दिखाना, इसमें और भी कुछ है पैटर्न थोड़ा बिल्कुल पतला सा जो हो, ये 250। ओके इससे भी हल्का, माही बाबा बिल्कुल खड़े रहो इधर ही, ये भी 250। ये कुछ अच्छा लग रहा है सिल्वर, वैसे आपको पता तो है मैं पहनती हूँ, मुझे पसंद आते हैं, तो प्यारा भी है, आई गेस ये मुझे लेना चाहिए। ये वाला सिल्वर थोड़ा कम करो ना, फिक्स है। ओके एंड कर काम बॉय पन्नुल बॉय चुक। ओके एंड कर काम बॉय पन्नुल बॉय जी। तो अपने भाई ने कुछ कम नहीं किया, बिल्कुल फिक्स रेट पे ही, मतलब 200 रुपए का ही मुझे ब्रेसलेट दिया उन्होंने। हाँ नॉन कॉटन, नॉन कॉटन चलिए आता नहीं।
400 रुपए की सूट है, बच्चा साथ है। जी तो एक टिप जो मैं आप लोगों को देती चलूं कि आप लोग संडे को आइए, मॉर्निंग में आइए, बहुत क्राउड होता है लेकिन आपको बहुत ही सस्ते दामों में जो है चीजें मिल जाती है। लेकिन अगर कोई मदर ये वीडियो देख रही है तो बच्चे घर पे छोड़ के आएगा, मेरी तरह साथ ना लाइएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर भी कितनी खूबसूरत है भैया, कितने के हैं ये वाले? गाइस ऐसे एक्सप्लोर करते करते ना बहुत ही अमेजिंग शॉप मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करी है। अगर आप लोग भी ऐसे इम्पोर्टेड शूज पहनना पसंद करते हैं बहुत ही अच्छे दामों में, इन्होंने 1400 तो बोला था लेकिन 1000 रुपीज में मैंने डन करवा लिया था अपना शूज यहाँ से, बहुत ही कमाल के। उसके अलावा बैग्स भी आपको इम्पोर्टेड मिल जाएंगे जो की सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए में है। तो अगर आप लोग गनी खान मार्केट जा रहे हैं या जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप इस शॉप पे जरूर जाइएगा मेरी रिकमेंडेशन पे, क्योंकि बहुत ही कमाल के बैग और शूज थे यहाँ पे। जी तो गाइस मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रील्स डाल दी हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग मुझे वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रील्स है और अपडेट्स आपको मिलती रहती है, मेरे यूट्यूब की अपडेट्स भी आपको वहां पर मिलती है और बहुत ही कमाल की रील्स होती है, तो आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। लग रहे हैं 600 का है ये बैग गाइस। अच्छा लग रहा है, तो जो है शॉप का नाम है जहाँ पर मैंने अभी बैग देखा है। कम 7th copy bags कश्मीरी जो है ऑथेंटिक कश्मीरी बैग्स, फिर मुझे स्टॉल जो मतलब जम्मू में नहीं मिलते अच्छे, श्रीनगर में ये बहुत अच्छे होते हैं। कितने का भैया? 200 लेकिन मैं और एक्सप्लोर करूंगी इस मार्केट में ना, ये बहुत ऐसे मिल जाते हैं। 100 कितनी अच्छी है ये शॉप। राहुल देखिए अब कितना ज्यादा है, छूट भैया दो देना। अब ना मैंने महिबा को आइसक्रीम दिलाई है। ये तो इस मार्केट में मेरा एक कोलैबोरेशन था, मैं उसी शॉप पे जा रही हूँ, देखते हैं कि वहाँ पर कैसी सैंडल्स होगी। उसका मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मैंने वो डाल दिया, आप लोग वहाँ से जाके वो चेक कर सकते हैं। जी ये ठीक है, ठीक है। जी तो ये है हैप्पी हील्स, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी हील्स मिलने वाली है और ऐसी ऐसी हील मिलने वाली है कि आप लोग खुश होने वाले हैं, हैप्पी होने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच हैप्पी हील जो इनकी तरफ से सैंडल मुझे मिली है, बहुत ही कमाल की सैंडल है, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में वो कैसी है। तो अगर आप लोग गनी खान मार्केट जा रहे हैं या जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ जो चंद शॉप्स हैं ना फुटवेयर की बहुत ही कमाल की है और उनमें से एक ये भी है, यहाँ पर भी आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ओके गाइस तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि अगर आप लोग कश्मीर आ रहे हैं, श्रीनगर आ रहे हैं, तो क्या ये मार्केट हमारे लिए वर्थ होगा? टाइम तो वेस्ट नहीं होगा इस मार्केट में आकर, तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप लोग यहाँ पर आके अच्छे दामों में शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने जो पर्टिकुलरली संडे को मैंने शॉपिंग करी है, ये तो इतना सस्ता सामान मुझे मिल गया, तो दूसरे दिनों का मुझे नहीं पता। तो कोई अगर कश्मीरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हमेशा ही यहाँ पे इतना सस्ता सामान मिलता है। और जाने से पहले मैं कैसे भूल सकती
सकती हूँ अपने प्यारे सब्सक्राइबर जो मेरे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उनका एक शॉर्ट आउट लेन। ड्रीमर्स व्लॉग थैंक यू वेरी मच भाई जो आपने मेरे चैनल पर आकर इतना अच्छा कमेंट करा। और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताती चलूं कि ड्रीमर व्लॉग हमारे कश्मीर के यंगस्टर और बहुत ही न्यू फेस है जो कि यूट्यूब पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे यंगस्टर हमारे भाई जो बुरे कामों से हटकर अच्छे कामों की तरफ जा रहे हैं हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यूथ को आगे बढ़ाइए। और आप सभी देखने वालों का दिल से शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।